Hi students, welcome to Smart World School of Complete Education. और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैप्टर में. हम इस चैप्टर में, आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और बहुत सारे बच्चों को होता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हो, तो इस चैप्टर को हमने चार अलग अलग क्राइटेरिया में रखा हुआ है ताकि हर बच्चे को ये हर लैंग्वेज में समझ में आए. तो पहले तो ये रीडिंग करके हमारे टीचर्स आपको बताएंगे, तो रीडिंग का पूरा वीडियो आप देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको रीडिंग समझ में आए. उसके बाद में आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा. फिर आप मराठी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो मराठी में भी जो मराठी जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा. साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप नॉन मराठी हो लेकिन आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, प्लीज आपको भी मराठी में ये चैप्टर देखना चाहिए ताकि आप मराठी भी समझ पाओ. और उसके साथ साथ में यही चैप्टर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो लेकिन ये होता है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश टू हिंदी समझने में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हो बच्चों. तो प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है. नए नए वर्ड्स आपको वहां पर सीखने मिलेंगे और आपको किस तरीके से, राइट, सो हाउ बेसिकली यू कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड यू कैन अंडरस्टैंड एवरी वर्ड एंड द सेंटेंसेस फ्लो, राइट. सो प्लीज if you listen to English explanation, then definitely you don't have to by heart your question answers. You can write it very effectively. अगर आप English explanation सुनते हो और अपना video English explanation में बना करके भेजते हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी question answer by heart करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. You can write on your own. That is very important. So हम ऐसी पढ़ाई आपके लिए करवाना चाहते हैं, ठीक है. अगर आप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को एंड तक देखिए. हमने एक पूरा ऐसा मेथड बनाया है जहां पर आप बच्चे जो है इस चैप्टर को देखोगे, रीडिंग एक्सप्लेनेशन हिंदी इंग्लिश मराठी सारी चीजों को. और आप अगर हमारे साथ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे तो आप यहां पर कुछ प्राइजेस भी विन कर सकते हो. आपके सारे चैप्टर्स एवरीडे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा. लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा. अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो तुरंत से अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज एक सब्जेक्ट का आपके सिलेबस का एक वीडियो आपको मिले यहाँ पर और आप जो है उसे सही तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ पाओ, राइट. सो आपको एंड में मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा कि किस तरीके से कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन से वीडियोस आपके सामने आएंगे, राइट. सो उस वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा. और हम जो है इस सारी चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्सनलाइज्ड मैनर में आपके लिए तैयार करके रखे हुए, बस आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है और आगे बढ़ना है, राइट. सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट. हेलो स्टूडेंट्स, welcome to Smart World, a school of complete education. Today we'll be covering chapter 5 of English, a kabaddi match. The school sports meet was scheduled next month. The practice matches had already begun. 9B were the favorites as they had strong players in their team. The kabaddi trials were on. This year there were 3 new students in class 9A. To everyone's surprise, they proved to be outstanding players. 9A's hopes soared. When the match started, all the spectators clapped and boosted the morale of both the teams. 9A won the toss and sent their rider Govind. He was so swift that before the opponents realized, it had touched Suresh from 9B. And was already heading home. A point was sold. Ravi from 9B was a very strong player. He alone was sufficient to catch hold of any player so tightly in between his legs, twisted like scissors, that releasing oneself from his grip was next to impossible.
all the players were literally afraid of him. This ace player had won many matches for 9B. With the support of Mohan and Vinod, 9B was unbeatable. Mangesh from 9A was also strong. He was a good match for Ravi. Ravi was relaxed as he had never dreamt of any strong opposition from any team. When Mangesh was wrestled down by Ravi and his friends, everyone in the spectators thought that 9A would lose Mangesh. But Mangesh proved his mettle. He was on the ground with anti-raiders catching hold of his waist and legs. Slowly, he inched towards his court. All the anti-raiders with all their might were trying their best to pull him back. But with great determination and without losing his breath, Mangesh successfully touched the midline. There were cheers in the air. He had not only saved himself but also able to score 3 points for his team as Ravi, Mohan and Ajinkya, who were holding him, were also declared out. Now 9B began to play cautiously. Mihir, one of their raiders, even managed to tag Sohan in 9A. Nothing much happened in the next few raids. Now it was Vivek's raid. He always played with strategies and they worked fine. The remaining three players from 9B trapped Vivek. He slowly moved back towards his court. The three anti-raiders also moved with him. When they caught his arm and were trying to pull him back, Vivek slipped his leg beyond the midline with the anti-raiders still hanging on his arm. Oh, the whole of 9B team was declared out. 9A had actually managed to get 3 more bonus points off Alona. It was an icing on the cake. What an inevitable score. It set the heads of 9B reeling. After the halftime break, the star players of 9A were full of confidence. Once again, they managed to catch hold of the ace raiders Mohan, Ajinkya and Ravi. 9A outplayed 9B in all the areas of kabaddi. Their team spirit, their confidence, their strategies, their swiftness, suppleness helped them to beat 9B, who had never tasted defeat earlier. Let's read about the kabaddi. Kabaddi is an ancient sport. It is originated in India and has now become popular in many countries, so that many international events are organized. In these events, international rules are followed. But several other kabaddi styles such as Sanjeevani, Gemini, Amar, etc. are followed in different parts of India. In kabaddi, two teams of 7 members each face each other in a flat rectangular court, divided by a midline. The game is usually played in 2 halves, with a half-time break in between. After the break, the teams exchange their sides in the court. To play the game, each team sends raiders across the midline to other team. The rider tries to tag the opponents and run back to his side, all in one breath. To show that he hasn't inhaled again, he has to chant kabaddi kabaddi all the time. If he has to inhale again, he is out. The opponents try to catch the rider and stop him going back to his half till he loses his breath and has to inhale again. If the rider manages to go back successfully, all the persons he has tagged and all those who have touched him are declared out. For each player declared out, the opposite team scores a point. If all the 7 players in a team are out, the opposite team gets bonus point, Alona. The team with the maximum points wins the match. The game of kabaddi requires good health, muscular length, strategic skills and a lot of practice and above all, great determination. Indian girls and boys have always excelled at kabaddi. Would you like to be an ace kabaddi player when you are a little older? Who knows if you make a resolve now?
and one day you may help win glory of your school, district, or even the state and the country. Good luck. Here are some questions for you to practice. Form pairs, make a list of as many games as you can, at least 25, then classify the games using the following criteria. First, indoor and outdoor games. Second, games played with and without any equipment. Third, games which have one-to-one matches and those in which teams play against each other, single player or team. Then, games played mostly by children and games played by adult players. Shape and size of court or field. Use the following figure to show your classification. Second question says, read the description of the Kabaddi match and do the following. A. Note down the names of players and say whether each one belongs to 9A or 9B. B. Describe in your own words the important events in the first half. C. Write in your own words what happened in the second half. And D. Choose any one event and draw a diagram to show what happened. Question number 3 says, list all the words specially used in the game of Kabaddi. Question number 4. From the internet or other sources, find the other names by which Kabaddi is known in different parts of the world and our country. Question number 5. What characteristics are needed to be a good player of Kabaddi? What should you do to develop each? Discuss then in this in groups of 5 and write a composition on it. 6. Read the following note from a schoolgirl's diary. Miss Fernandez is our new class teacher. She is slim and fit, even at the age of 50. With her grey hair, spectacles and a plain formal clothes, she looks so strict. But we discovered that her classes can be great fun. We begin each class with a simple 2-minute game or activity. Today we had to write as many words beginning as with A as we could within 60 seconds. I wrote 50. I got a pat on my back for my making the best effort. I feel on top of the world. Write diary entries for the interesting or important events that take place in your school. Write at least 3 entries. Question number 7. Language study. Degree of comparison. We use different forms of adjectives and adverbs to show comparison. They are known as degrees of comparison. There are 3 types of degrees of comparison: positive, comparative, and superlative. Examples for positive are: Mangesh was as strong as Ravi. She is as tall as her sister. Examples for comparative are: Mangesh was stronger than other players. She is taller than her sister. Examples for superlative comparison are: Mangesh was the strongest player in the team. Their sister is the tallest among the 3. Question number 8. Complete the following sentences using your own ideas. The princess was as dash. Fill in with positive degrees of comparison. 2. The princess was dash than dash. Fill in with comparative degrees of comparison. 3. The princess was the dash amongst all dash. Fill in with superlative degree of comparison. Note that we usually add er, est to short adjectives and use more or most with longer adjectives. Examples: high, higher, highest. Attractive, more attractive, most attractive. Nice, nicer, nicest. Interesting, more interesting, most interesting. 9. Read the following words and name the degree of comparison shown by each. Good, better, best. Bad, worse, worst. That's it for the chapter today. Thank you.
स्टूडेंट्स, अगर आप सही तरीके से अपने वीडियोस यहाँ पर हर रोज भेज रहे हो, आपके चारों वीडियोस आ रहे हैं, तो हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम यहाँ पर आपको देंगे, राइट। और मंथली अगर आप कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस हमें भेज रहे हो और चेक हो रहा है, और जो भी बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करेगा पूरे मंथ में, उसे एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा। सो प्लीज, आपके गिफ्ट के लिए नहीं, आपके एजुकेशन के लिए, और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो भी फ्री में, राइट। सो प्लीज, आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, आपको अच्छे तरीके से हर रोज वीडियोस को सुनना है, और अपने वीडियोस बना करके अच्छे से अच्छे तरीके से भेजना है, राइट। अभी आपको मैं कुछ सच्चाई बताता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर ये स्कूल में आप क्या कर रहे हो, राइट, 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो, ये है ट्यूशन आपका, ट्यूशन में भी यही हो रहा है, 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में आप बैठे हो, टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं, सबकी बातें, हर बात सबके लिए नहीं सुन सकते हैं वो, राइट, और उनको ग्रेड भी नहीं कर सकते हैं, तो वो ओवरऑल क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि स्कूल नहीं बराबर करता या ट्यूशंस बराबर नहीं करते, प्रॉब्लम है वहां पर, वहां ज्यादा बच्चे एक साथ आने की वजह से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना प्रॉब्लम है, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने समय पे सारे वीडियोस बना करके सीख करके मुझे भेज सकते हो। हमारा टीम आपके सारे वीडियोस को चेक करेगा, और जो टाइम बैरियर है मल्टीप्लाई हो जाता है, आप अपने टाइम पे काम करते हो, टीचर्स अपने टाइम पे काम करते हैं, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में आती है, आप कितना अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये सब कुछ समझ में आ जाता है, आपका पढ़ाई इम्प्रूव होगा बच्चों। आप जब सारी चीजों की रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्लेनेशन, राइट, सो ये सारी चीजें जब आप करोगे धीरे धीरे, तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा, आप बहुत अच्छे से हर चैप्टर को समझ पाओगे, हर लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके समझने में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो प्लीज, पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की तरफ आप जुड़िए, और उसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है आपको, ये जो वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट किया जाएगा, या नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप क्लिक करिए, वहां पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, उस लिंक में जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिलअप करिए, उसके बाद में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से आपको लॉग इन करना है, किस तरीके से आपको जो है सीखना है, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने और हमें भेजना है। थोड़ा एक दो दिन परेशानी होगा, लेकिन एक दो दिन के बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, हमारे टीचर्स आपको फॉलो अप करते रहेंगे, वो हेल्प करेंगे आपकी जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो, और फिर हर रोज डे में आप पूरा जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है टाइम टेबल के हिसाब से उस वीडियो को आप सुनोगे, वो सारी चीजें आप करोगे, करने के बाद हमें वीडियो भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे, और शाम को आपका रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास होगा। तो बहुत ही मजेदार तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, और तब जाकर के आपकी मदद हम कर पाएंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़ोगे, और ये चैनल सबके साथ शेयर करोगे, ताकि आपके सारे दोस्त जो है इस चैनल पर आए, और आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस चैनल पे सीखो, और एक दूसरे के ग्रोथ को भी चेक कर पाओ, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पर ऐसा पूरा पोर्टल में सिस्टम दिया गया है कि आप अपने दोस्त के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका दोस्त कितना अच्छा कर रहा है। सो प्लीज, पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को जोड़िए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए, और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।